और जम्मू कश्मीर के डोडा में जो एनकाउंटर चल रहा है आतंकियों के साथ सेना का, उस पर बड़ी अपडेट है इस वक्त। ये जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ से के दौरान सेना का एक अफसर शहीद हो गया है। पट्टी टॉप के जंगलों में आतंकियों से लोहा लेते हुए 48 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कैप्टन शहीद हुए हैं। पट्टी टॉप के जंगलों में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद कल से ही यहाँ पर मुठभेड़ चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर लगातार चल रहा है और इस पर एक बड़ी अपडेट है और ये जानकारी मिली है कि कैप्टन शहीद हुए हैं इस एनकाउंटर के दौरान। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजत वोरा जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ डोडा से लाइव। रजत, एनकाउंटर लगातार जारी है लेकिन इस बीच ये एक खबर आ रही है, हम चाहेंगे कि इस पर और अपडेट हमें दें। एक हमारे अधिकारी के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय राइफल के जो बताया जा रहा है कैप्टन जो है वो शहीद हुए और कल शाम से ही लगातार ये एनकाउंटर जारी है। और अभी भी आप देखिए, मेरे सहयोगी मानिक ने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर पूरे इलाके में की गई है। हालांकि ऑपरेशन जो है यहाँ पहाड़ी पर चल रहा है और कई सारी सेंसिटिव जो विजुअल्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो हम जो है वो साझा नहीं कर पाए क्योंकि ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 2 से लेकर 3 आतंकी इंजर्ड भी हो चुके हैं जिन्हें जल्द से जल्द ढेर कर लिया जाएगा और इनकी जो मौत है वो जल्द से जल्द निश्चित है इन्हीं पहाड़ों में क्योंकि काफी देर से लगातार इन इलाकों में एक्टिव थे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक M4 अमेरिकन असॉल्ट राइफल भी जो है वो भी सर्च के दौरान यहां पर बरामद की गई है। इसके अलावा 3 रक्सेक्स बैग जो है जिनमें कि आतंकी अपना साजो सामान हथियार लेकर यहां से निकलते हैं वो भी यहां पर बरामद हुआ है। तो साफ तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि 3 से ज्यादा आतंकी भी हो सकते हैं पर उन्हें ढेर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और वहीं जो कैप्टन हमारे शहीद हुए हैं उनका बदला लेने के लिए पूरी तरह से लगातार मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। रजत, पिछले कुछ समय से आतंकियों की गतिविधियां एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है, यानी जाहिर सी बात है जिस तरीके का मोमेंटम कल से लेकर आज तक सेना का जो अप्रोच नजर आ रहा है वो शायद इस ओर है कि एक बार फिर से बहुत कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में सेना नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आतंकी जो है वो लगातार अपनी मोडस ऑपरेंडी बदल रहे हैं और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी की मदद के साथ ह्यूमन इंटरवेंशन को और आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद के साथ तेजी से जो ऑपरेशन है वो लगातार चला रहे हैं और उम्मीद यही है कि जो आतंकियों ने अब यहाँ पर जो है किसी तरह से अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की तो उनका अंत जो है इन्हीं पहाड़ों में इन्हीं जंगलों में कर उनकी कब्रें यहीं पर खोद दी जाएं। इसी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हैं और इसीलिए राष्ट्रीय राइफल के जो जवान हैं वो कल शाम से ही लगे हैं और जो आतंकी इस इलाके में छुपे हैं उन्हें ढेर करने के लिए तेजी से ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहता आपका, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।